आई एम योर टीचर शालू शर्मा, बैक अगेन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी 12 डांसिंग प्रिंसेसेस. सो ही वॉज अ पुअर मैन, ही थॉट ही वुड ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्री. जो सोल्जर आया था वो क्या था, एक गरीब आदमी था. उसने सोचा कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेगा. ही वॉज थिंकिंग ऑफ अ प्लान व्हेन ही वॉज वेरी ओल्ड, व्हेन ही सॉ अ वेरी ओल्ड वुमेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम. जब वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का प्लान बना रहा था तो उसने किसको देखा, एक ओल्ड वुमेन को देखा जो उसके आगे खड़ी थी. व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, शी आस्क्ड. उस वुमेन ने पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो. आई वॉन्ट टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द प्रिंसेसेस वॉर्न आउट शूज, सेड द सोल्जर. सो सोल्जर ने कहा कि मैं तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जो उनके शूज़ जो सुबह ख़राब हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं. हेयर इज सम फ्री एडवाइस. तो उस ओल्ड वुमेन ने कहा कि तुम्हारे लिए एक फ्री एडवाइस, एडवाइस होता है सलाह देना, किसी को कुछ मशवरा देना. When a princess offer you any drink, do not take it. उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जब भी तुम्हें कोई राजकुमारी कोई ड्रिंक होता है मतलब कुछ भी पीने के लिए देगी तो उसको मत लेना, मत पीना. प्रटेंड होता है मतलब दिखावे के लिए कुछ करना. प्रटेंड टू स्लीप, ऐसे प्रटेंड करना, ऐसे लगना कि तुम सो गए हो. The old woman also gave him an old clock. तो क्या दिया, The old woman also gave him an old torn clock. What is the meaning of clock, बेटा? A thing that hides something. तो old woman ने उसको क्या दिया था, एक फटा हुआ, एक torn होता है फटा हुआ clock, मतलब एक कपड़ा था जो पहनकर वो क्या हो जाएगा, इनविजिबल का मतलब क्या होता है, जो किसी को भी दिखाई ना दे. द सोल्जर लुक्ड सरप्राइज्ड, वो बड़ा हैरान हुआ. इट इज़ अ मैजिकल क्लॉक, क्या था वो, एक जादुई क्लॉक था. इट विल मेक यू इनविजिबल, यूज़ इट केयरफुली. बूढ़ी औरत ने कहा कि ये तुम्हें अदृश्य कर देगा, मतलब तुम दिखोगे नहीं, ठीक है, इनविजिबल हो जाओगे. यूज इट केयरफुली, इसको ध्यान से यूज करना. द सोल्जर थैंक्ड हर एंड वेंट ऑफ टू मीट द किंग. सोल्जर ने उसका धन्यवाद किया और किंग को मिलने के लिए चल पड़ा. सो नेक्स्ट, एट द कैसल. कैसल क्या होता है, बिग बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो. जो जैसे राजकुमारियों का जो घर था, जो किंग का महल था, वो बहुत बड़ा था ना, तो दैट इज कॉल्ड कैसल. At the castle, he sat down in front of the bedroom and waited. वो कहाँ बैठ गया, उनके महल में जाके, कैसल में जाके, बेडरूम के बाहर, बेडरूम के सामने. The eldest princess brought him a cup of grape drink. He remembered the old woman's advice and threw it away. Then he pretended to fall asleep. तो उसने किसकी बात मानी, वो क्या लेके आई उसके लिए, अंगूरों की जो ड्रिंक थी, उसको किसकी, रिमेम्बर्ड होता है याद करना, उसको उस बूढ़ी औरत की बात याद आई कि अगर तुम्हें कोई भी राजकुमारी कुछ भी पीने के लिए दे तो उसको आपने नहीं पीना, उसको तुमने नहीं पीना, और ऐसे प्रटेंड करना कि तुम सो गए हो. तो राजकुमार ने वैसा ही किया. देन ही प्रटेंडेड टू फॉल असलीप. द 12 प्रिंसेसेस हर्ड द लाउड स्नोर. स्नोर्स होता है खराड़े मारना, ऐसे हम करते हैं ना, खराड़े मारते हैं कई लोग रात को सोते समय. The 12 princesses heard his loud snores. The eldest princess went to her bed and clapped her hands. जो सबसे बड़ी राजकुमारी थी उसने क्या किया, सबसे बड़ी राजकुमारी ने, एल्डर होता है बड़ा, जो सबसे बड़ी राजकुमारी थी वो अपने बेड के पास गई और उसने अपने हैंड्स को क्लैप किया, उसने तालियां बजाना शुरू की. हर बेड सैंक इन टू द फ्लोर. नीचे डूब, सैंक होता है डूब जाना, मतलब नीचे धस गया बिल्कुल जो उसका बेड था. एंड ट्रैप डोर अपीयर्ड, और वो बेड नीचे जाने की बात क्या हो गया, एक डोर सामने दिखने लगा, अपीयर होता है दिखना. द सोल्जर वॉच्ड देम गोइंग डाउन द ट्रैप डोर. ही पुट ऑन हिज इनविजिबिलिटी क्लॉक एंड फॉलोड देम. तो उसने क्या किया,
अपना इनविजिबिलिटी वाला जो क्लॉक था वो पहन लिया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया. सो स्टूडेंट आई हैव एक्सप्लेन फॉलोड देम. नेक्स्ट स्टोरी आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.